हेलो एवरीवन, जय खाटू श्याम जी की। नमस्ते सबको, आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये ब्लॉग पसंद आएगा। ये देखिए वीडियो में मेरी मम्मी सबको हेलो बोलते हुए, और ये सब मेरे रिलेटिव्स हैं जो आपको वीडियो में दिख रहे हैं। आज हम सब ने प्लान किया है कि हम 3 दिन के लिए घूमने जाएंगे पहाड़ों पे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर रहे हैं महालक्ष्मी मंदिर, जो लाल कुआं एंड बरेली बाईपास के पास पड़ता है, वहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये महालक्ष्मी मंदिर का एंट्री गेट है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर वाइट मार्बल से बना हुआ है, और ये बहुत ही मतलब मन को शांति देता है, सुकून देता है मंदिर। एक साइड को शंकर जी का मंदिर है और एक साइड को हनुमान जी का मंदिर है, और बीच में महालक्ष्मी जी का मंदिर है। ये देखिए, ये शंकर जी का मंदिर है। ये मंदिर का बाहर का व्यू है। ये नंदी भगवान जी हैं। ये मंदिर का पिछला भाग है। जब हम परिक्रमा लेते हैं तो हमने भी एक परिक्रमा ली थी मंदिर के पीछे जाके। ये इस उसका व्यू है। तो यहाँ पर प्रसाद खा रहे हैं, जो मंदिर में प्रसाद मिला था वो खा रहे हैं। लक्ष्मी माता मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारा नेक्स्ट मंदिर था कालीचल माता मंदिर, जो काठगोदाम में पड़ता है। तो ये काठगोदाम का व्यू है, और ये हम कालीचल माता मंदिर पहुंच गए। हम कालीचल मंदिर जा रहे हैं। ये मेरी मम्मी जा रही है आगे से चलते हुए। कालीचौल प्रसिद्ध मंदिर है काली माता का। ये आपका काठगोदाम में पड़ता है, नैनीताल जिला हुआ। चलिए मंदिर के पास चलते हैं। यह मंदिर का एंट्रेंस गेट है। अभी मैंने ना एक सांप देखा। यह मंदिर जंगलों के बीच में है, इसलिए मैं और मेरी मम्मी जब मंदिर के लिए दर्शन करने आ रहे थे सबके साथ, तो मैंने एक छोटा सा सांप देखा, और ये बात मैं सबको बता रही थी, पर मेरी बात पे किसी को डर नहीं लगा, और वो उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ। यहाँ पे सब लोग माता रानी की आरती कर रहे थे, काली जी की आरती कर रहे थे। इस मंदिर में आप जब शिवरात्रि होती है उस टाइम आइए तो भंडारा चलता है, और इतनी भीड़ होती है कि बहुत ही मतलब बहुत लंबी लाइन लगी रहती है,
और बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। मैं वीडियो बना रही थी तो ये देखिए मेरे मम्मी ने क्या बोलने के लिए कहा इन लोगों से। बहुत अच्छा है और बोलिए चलिए काली चौल माता के दर्शन के बाद हम चल निकल पड़े शीतला माता मंदिर के लिए। शीतला माता मंदिर में भी बहुत चढ़ाई है क्योंकि वो जंगलों के बीच में है। शीतला माता मंदिर काठगोदाम के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो मिल जाएगा, वहाँ से आप शीतला माता मंदिर जा सकते हैं। हमें आधा घंटा लगा था सीढ़ियाँ चढ़ने में शीतला माता मंदिर के, और ये देखिए हम पहुँच गए शीतला माता मंदिर। ये शीतला माता मंदिर का मेन द्वार है और ये मंदिर के अंदर का व्यू है। शीतला माता मंदिर में भी बहुत सारे बंदर हैं, इसलिए प्रसाद जो है आप जब भी आइए छुपा के लेके आइएगा। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।